नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। कमीशन पर बड़ा फैसला, अब वेरिफिकेशन जरूरी नहीं। राज्य सरकार ने नए वेतन आयोग को लागू करने में हो रही देरी को खत्म करने के लिए नया फैसला लिया है। वित्त विभाग ने सभी ट्रेजरी अफसरों को कहा है कि पे फिक्सेशन के सभी दस्तावेजों की वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है। इससे पहले जॉइंट डायरेक्टर ट्रेजरी की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे कि फिक्सेशन के आदेशों की लीगल स्क्रूटनी के लिए सभी जिला ट्रेजरी अधिकारी और अन्य ट्रेजरी अफसर वेरिफिकेशन और चेकिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। ये आदेश डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी और सब ट्रेजरी स्तर पर लागू हुए थे। इन आदेशों में ये भी कहा गया था कि ट्रेजरी अफसर DDO के आधार पर फाइल मेंटेन करेंगे ताकि फिक्सेशन के मैटर्स की बाद में भी चेकिंग की जा सके। लेकिन इन आदेशों के कारण ऐसा लग रहा था कि पे कमीशन को लागू करने में कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि इस प्रक्रिया के अनुसार DDO पे वेरिफिकेशन कर रहे थे और फिर ट्रेजरी अफसर इनकी वेरिफिकेशन कर रहे थे। इससे समय और बढ़ जाना था और सैलरी बिल पारित होने में और देरी होनी थी। जबकि सरकार को जनवरी का फरवरी में दिया जाने वाला वेतन नए वेतन आयोग के हिसाब से देना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया है कि ये मामला ध्यान में आने के बाद कुछ संशोधन करने के लिए कहा गया है। क्योंकि समय कम है इसलिए सभी DDO की पे फिक्सेशन की वेटिंग संभव नहीं है। बड़े विभागों में इससे दिक्कत आने की आशंका है, इसलिए अब यह निर्देश दिए गए हैं कि DDO से आने वाली पे फिक्सेशन की फाइल की रैंडम चेकिंग की जाए। इसके बाद यदि जरूरी हो तो हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज के लोगों को कंसल्ट किया जा सकता है। हर केस की वेटिंग अब जरूरी नहीं होगी, इस बारे में निर्देश में संशोधन किया जा रहा है और बहुत जल्द इसकी अधिसूचना भी हो जाएगी।